यूट्यूब के चैनल में हम सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं जो ये व्यक्ति हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो बिहार शिक्षा जगत से संबंधित एसटीडी संबंधित खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब एक और लोचा सामने उभर के आ रहा है। जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है कि एसटीडी रिजल्ट अगर सभी को भर्ती में शामिल होने का मौका मिला तो मेरिट वाले करेंगे विरोध। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि अब ये बवाल और सामने आ चुका है। अब कह रहे हैं कि मेरिट वाले विरोध कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इन जो लोग मेरिट में आ चुके हैं वो भी अब विरोध करने लगे हैं। अब मेरिट लिस्ट में 30,675 के साथ 35,000 क्वालिफाइड भी बवाल तय दे सकते हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं देखिए बवाल हो रहा है। तो मंत्री बोले जो क्वालिफाइड हैं उन्हें भी शिक्षक नियुक्ति में शामिल होने का मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग की ओर से सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गलती पूछी जा रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहाली नियोजन इकाई से हो तो बीएसवी ने क्यों बना दी मेरिट लिस्ट। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बवाल सामने उभर के आ रहा है। घोषणा थी मेरिट लिस्ट वाले की नौकरी पक्की। जी दोस्तों, ये घोषणा की गई थी कि जो लोग मेरिट लिस्ट में हैं उनकी नौकरी पक्की होगी। तो आज की हेडलाइन आप देख सकते हैं, रिजल्ट में आवेदन के बदले एक्ट्रेस का फोटो। आप देख सकते हैं दोस्तों, एक्ट्रेस का फोटो यहाँ पे आया हुआ है। तो ये भी एक बवाल सामने उभर के आ रहा है। 6 महीने में कामर शिक्षकों की बहाली करने का आदेश। तो एक बार फिर से एसटीडी लेने की बात कही जा रही है। एसटीडी 19 के सभी 15 विषयों में रिक्तियाँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा एक माजरा जो है वो बताया गया है। और जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी आकर ये बात कही थी कि भाई उन लोगों का जो मामला है, जो लोग मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं उन्हें भी एक बार मौका दिया जाएगा कि शिक्षक नियुक्ति में वो लोग शामिल हो सकें। मामला गरमाया तो बनाई गई कमेटी, दे सकते हैं। कहा गया है कि मामला जब गरमाया तो कमेटी बनाई गई और इस कमेटी को जांच के लिए छोड़ दिया गया है। आगे देखिए दोस्तों, जिले के किसी प्रखंड नियोजन इकाई में पहले चरण में नहीं लग पाएगा काउंसलिंग कैंप। आप देख सकते हैं 301 पंचायत नियोजन इकाई में पहले काउंसलिंग प्रखंड में इंतज़ार करना होगा। तो पहले देखिए यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बता दिया गया है कि भाई पहले काउंसलिंग कहाँ पे होगी। तो 301 पंचायत नियोजन इकाई में पहले काउंसलिंग होगी, उसके बाद प्रखंड में काउंसलिंग कराई जाएगी। शेड्यूल जारी कर दिया गया है, 12 जुलाई को जिले के सभी पंचायत नियोजन इकाई के लिए लगना है कैंप। इन नियोजन इकाई में बहाली के लिए दिव्यांग अभ्यर्थियों का लिया जा रहा है आवेदन। 80 पंचायतों 16 प्रखंड आवेदन लेने के दायरे में। आप देख सकते हैं दोस्तों, 301 पंचायत जो निकाय पहले काउंसलिंग प्रखंड में इंतजार अभी करना पड़ सकता है। और देख सकते हैं ओपन कैंप से होगी 2.1 लाख शिक्षकों की बहाली। काउंसलिंग 5 से बहाली अगस्त तक। देख सकते हैं दोस्तों, ओपन कैंप से होगी काउंसलिंग, कहा जा रहा है 2.1 लाख शिक्षकों की बहाली। एसटीडी अभ्यर्थियों ने किया प्रश्न, मंत्री बोले मेरिट लिस्ट में नहीं होने वाले अभ्यर्थी पर जल्द निर्णय, मौके आगे भी मिलेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये बवाल अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अगस्त तक 6ठे चरण की शिक्षक बहाली पूरी कर ली जाएगी, शेड्यूल जारी किया जाएगा। 2019 एसटीटी वैसे अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों को आगे के चरण बहाली का मौका मिलेगा। उधर बुधवार को इन अभ्यर्थियों ने सचिवालय के सामने प्रदर्शन भी किया। तो जो भी एसटीटी वाले अभ्यर्थी हैं, जो कि अभी तक दे सकते हैं दोस्तों क्वालिफाइड तो हो चुके हैं लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं, उनके लिए शिक्षा मंत्री का एक बड़ा आदेश जारी हुआ है। जांच कमेटी की एक बड़ी रिपोर्ट सामने ऊपर के आई है। 1.21 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए काउंसलिंग 5 जुलाई से होगी। और काउंसलिंग के लिए भी कह दिया गया है कि 5 जुलाई से काउंसलिंग कराई जाएगी। और कैंप देखिए 12 अगस्त से 12 तारीख यानी 12 जुलाई से कैंप लगाना स्टार्ट हो जाएगा। काउंसलिंग 5 से बहाली अगस्त तक। देख सकते हैं दोस्तों, ओपन कैंप में बहाली प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। इसमें मेधा सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। एक अभ्यर्थी एक ही जगह काउंसलिंग में शामिल हो पाएगा, वहीं उसके सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा होंगे। यदि कोई डुप्लीकेट प्रमाण पत्र के आधार पर एक से अधिक नियोजन इकाई में नियोजन के प्रयास करेगा तो उसकी नौकरी जा सकती है। काउंसलिंग में ये प्रमाण पत्र रखें जारी। कौन कौन से प्रमाण पत्र हैं? मूल प्रमाण पत्र हो गया, मैट्रिक, इंटर, स्नातक का अंक प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण का अंक व प्रमाण पत्र, टीटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। प्रत्येक काउंसलिंग के अगले दिन नियोजन इकाई जो है चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देगी। मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 15 तारीख को किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहाली की प्रक्रिया फुल प्रूफ आगे बढ़ रही है।
मूल प्रमाण पत्र नियोजन इकाई के पास शिक्षक काट रहे चक्कर दे सकते हैं। निगरानी वेब पोर्टल पर अपलोड करने के लिए नियोजन में नियोजन के समय प्रकाशित मेधा सूची और ओपन मूल प्रमाण पत्र को लेकर शिक्षक चक्कर काट रहे हैं। बहाली के समय शिक्षकों के मूल प्रमाण पत्र नियोजन इकाई में जमा करवाए गए थे और अब निगरानी जांच के दिन शिक्षकों के सर्टिफिकेट नहीं देने की बात की जा तो दे सकते हैं। मूल प्रमाण पत्र नियोजन इकाई के पास से शिक्षक काट रहे हैं चक्कर, तो जो मूल प्रमाण पत्र नियोजन इकाई के पास है अब उनको लेना होगा क्योंकि काउंसलिंग में ये काम आएगा। दोस्तों पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 माह के अंदर एसटीडी लेने का आदेश दिया है कॉमर्स विषय के लिए। तो आप देख सकते हैं कॉमर्स विषय के लिए एक बार फिर से एसटीडी की परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। और दूसरी हम बात बता दें दोस्तों, यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर अभ्यर्थियों को पूछा था कौन कौन से सर्टिफिकेट लग रहे हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तमाम डॉक्यूमेंट तैयार रखिए क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप कहीं ना कहीं मुसीबत में फंस सकते हैं क्योंकि काउंसलिंग में कहा गया है कि भाई इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपका इंटर का हो गया प्रमाण पत्र, आपका हाई स्कूल का हो गया, स्नातक का हो गया, ठीक है, इसमें स्पष्ट किया गया है आप देख लीजिए, मैट्रिक का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, शिक्षक प्रशिक्षण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, टीटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र। और प्रत्येक काउंसलिंग के अगले दिन नियोजन इकाएँ चयनित अभ्यर्थियों के सभी शैक्षणिक प्रश्निक प्रमाण पत्र उनके जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को उपलब्ध कराएगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा उन सभी प्रमाण पत्रों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करा कर उनका सत्यापन समक्ष प्राधिकार से करना सुनिश्चित करेंगे। सत्यापन के उपरांत नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आप देख लीजिए। और 301 पंचायत नियोजन इकाई में पहले होगी काउंसलिंग, उसके बाद होगी प्रखंड में। तो देख सकते हैं मूल प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित फोटो कॉपी रखना होगा अनिवार्य, ये बात कही गई है तो बिल्कुल गौर फरमाइए इन पे। मूल प्रमाण पत्र व स्व प्रमाणित फोटो कॉपी रखना होगा अनिवार्य, पंचायत इकाई के लिए प्रखंड को लेना होगा कैंप। तो देख सकते हैं दोस्तों कैंप से जो नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उसके लिए बात कही गई है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को तैयार रखने हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार नहीं होते हैं तो आप कहीं ना कहीं शिक्षक बहाली से बाहर हो सकते हैं, तो इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान दें। और नियुक्ति की प्रक्रिया यथाशीघ्र होने जा रही है पूरी, तो बिल्कुल घबराएं नहीं, सभी का नियोजन होगा। एसटीटी को जब बवाल है वो भी समाप्त होगा। वैसे तो शिक्षा मंत्री को यह फैसला ले लेना चाहिए कि जितने भी क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं वो सभी मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे, मेरिट लिस्ट एक बार फिर से निकालना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या कुछ होता है। वैसे तो लग रहा है ऐसा कि भाई मेरिट लिस्ट आपका फिर से ही जारी हो सकता है। तो पल पल की जितनी भी अपडेट्स आएगी हम सीधे अपने चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाते रहेंगे। तो जो लोग भी पहले विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एक्टिव कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर से हाजिर होंगे। जय हिंद।